रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दो अन्य विधायकों का भी इस्तीफा आया सामने। बड़ी खबर सामने आ रही, भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने दिया इस्तीफा। बांदा के दिंदवारी से भाजपा एमएलए है ब्रजेश, भाजपा विधायक भगवती सागर ने भी दिया इस्तीफा। तो दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कानपुर से, कानपुर के बिलहौर से भाजपा विधायक भगवती सागर। बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दो अन्य विधायकों का इस्तीफा आया सामने। भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने दिया इस्तीफा। बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए है ब्रजेश, भाजपा विधायक भगवती सागर ने भी दिया इस्तीफा। बड़ी खबर सामने आ रही है, दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। कानपुर के बिलहौर से भाजपा विधायक है भगवती सागर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दो अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने दिया इस्तीफा। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जुड़ेंगे उसी पार्टी के साथ जुड़ेंगे ये दो विधायक। भाजपा विधायक भगवती सागर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कानपुर से है ये विधायक, कानपुर के बिलहौर से भाजपा विधायक है भगवती सागर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दो अन्य विधायकों का भी इस्तीफा आया सामने। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति ने दिया इस्तीफा। बांदा के तंदवारी से भाजपा एमएलए है ब्रजेश, बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दो विधायकों का भी इस्तीफा सामने आया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी दल से जुड़ सकते हैं जिस दल से जुड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में आलाकमान जुट गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य से वार्ता करने को तैयार है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने इस बात का खुलासा किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।